जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है ना उसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ है, बहुत ही इजीली पीएनपी मिल जाती है, फिर पीआर बड़ी आसानी से हो जाती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करने के लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे खर्चे कम है, आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जो फीस है वो कम होगी और साथ के साथ छोटा सा शहर है तो एक कम्युनिटी अच्छी बन जाती है, जान पहचान बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ में पंजाबियों का हब है, अगर नॉर्थ का है वो मिनी पंजाबी एक टाइप से। भाई आज हमें विनीपेग के अंदर जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सिटी है उसके पीएनपी प्रोग्राम्स की वजह से, तो आज की इस वीडियो में हम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात करेंगे जो कि विनीपेग के अंदर पढ़ाई कर रहा है, उससे पूछेंगे कि भाई यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब, अकोमोडेशन और एक्सपेंसेस का क्या हिसाब किताब, और साथ के साथ ये भी पूछेंगे कि भाई एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट विनीपेग आना वर्थ है या नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी चीजें करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, और साथ के साथ यार थोड़ा बहुत आपको विनीपेग भी दिखा देंगे, सो लेट्स गो। हाँ जी, तो ये है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि विनीपेग के अंदर रहते हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो इनसे एक बार पूछते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे पढ़ते हैं और क्या करते हैं। तो सबसे पहले यार अपना नाम बताओ। मेरा नाम पार्थ कौशिक है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग में अप्लाइड कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा हूँ। इंडिया में मैंने प्लस टू नॉन मेडिकल फील्ड में की थी और फिर यहाँ पे मेरा ड्रीम था कि मैं कंप्यूटर साइंस में कुछ आगे परस्यू करूँ, फिर मैं कनाडा में मूव किया कि जैसे यहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो एक्सपोजर अच्छा मिलता है, नई चीजें सीखने को मिलती हैं अलग अलग कल्चर के बारे में। दो चीजें हैं, एक कि आपने विनीपेग ही क्यों चूज किया और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग चूज क्यों किया? एक तो विनीपेग में पीआर थोड़ी इजी है बाकी प्रोविंस के कंपैरिजन, पीएनपी यहाँ पे इजी मिल जाती है, मतलब प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम थोड़ा सा इजी है प्रोसेस। और सेकंड चीज होती है कि लोगों ने अपना काम ढूंढना होता है, राइट, कि कोई ना कोई वर्क करना, कोई ना कोई पार्ट टाइम करना। जो पार्ट टाइम वर्क है वो विनीपेग में थोड़ा कंपैरेटिवली इजीली मिल जाता है अगर हम कंपेयर करें टोरंटो साइड या सरी साइड। और साथ के साथ आपकी फीस भी कम थी यहाँ पे थोड़ी सी। एक्जैक्टली, मेरे को स्कॉलरशिप भी मिली है फर्स्ट ईयर में नियर 4-5 हज़ार डॉलर की, वो भी एक सेंस में बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट ईयर में भी मैं ट्राई करूँगा कि मेरे को स्कॉलरशिप मिले और उसके बाद फीस ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो ये फायदा था इनको विनीपेग में आने का। बाकी अब उधर जाके बात करते हैं कि जॉब्स, एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन और यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वर्थ है या नहीं है, और साथ के साथ ये सेफ है या नहीं है, क्योंकि कहते हैं वन ऑफ द क्या बोलू मैं, शेडी प्लेसेस है, तो उधर जाके एक बार बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है, फोक्स वगैरह यहाँ पे, तो देखते हैं। ट्वेल्थ के बाद 2-3 ऑप्शन होते हैं कि आप एडवांस डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा वगैरह कर लो और फिर अपना वर्क परमिट ले लो, फिर पीआर ले लो। तो आपने डिग्री ही चूज क्यों किया, क्योंकि डिप्लोमा थोड़ा सस्ता होता है? हाँ जी। तो उसके क्या रीजन थे? मेरे इस चीज के 3 रीजन थे। एक तो डिग्री में हमें अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है कि मैं जैसे अब कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, साथ में मैं माइनस चाहे अपने मैथ्स में कर लूँ चाहे इकोनॉमिक्स में कर लूँ, पर डिप्लोमा में ये चीज़ है अगर मैं एक चीज़ में लग गया, अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिप्लोमा कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ वो ही चीज़ पढ़ सकता हूँ, मैं बाकी चीज़ में नहीं पढ़ पाऊँ। राइट राइट राइट। और सेकंड पॉइंट ये था कि जो फीस है, फीस का भी कुछ ज़्यादा खास फर्क था नहीं उसमें। अच्छा। तो मेरे को ये था कि अगर मैं हल्का सा कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा तो मेरे को रिटर्न उसकी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डिग्री की यार वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी अगर हम पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और बाकी यार यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू कॉलेजेस। एक्जैक्टली। स्टूडेंट कमेटीज जैसे इन्होंने बताया, टीचिंग असिस्टेंट बन गए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कॉलेजेस में नहीं होती हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप थोड़ा सा अपने आपको फाइनेंशियली एक्सटेंड कर सकते हो तो कोशिश करो कि डिग्री करो अगर आप ट्वेल्थ के बाद आ रहे हो तो, ये हिसाब किताब है। बाकी और बातें करते हैं, बाकी पीछे आपको गांधी जी का स्टैचू दिखाई दे रहा होगा, बाकी इनका चश्मा कहाँ गया यार? चश्मा लोग चोरी करके ले गए, काफी लोग आते हैं फोक्स में चोरी करके ले गए। विनीपेग के अंदर गांधी जी का स्टैचू भी है और यहाँ पे म्यूजियम है, तो इधर जाके बात करते हैं जरा। तो बेसिकली यार कनाडा में आजकल बड़ा चल रहा है कि भाई पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, 6-6 महीने तक बच्चे जॉबलेस बैठे हुए हैं, कोई इनकम नहीं है। तो विनीपेग के अंदर क्या हिसाब किताब है, मिलती हैं नहीं मिलती हैं? विनीपेग में जॉब मिल जाती हैं, जैसे मैं मई इनटेक में आया था इसी और मेरे को जून मंथ के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में मेरे को जॉब मिल गई थी। तो आने से एक महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल गई? ठीक है। तो जॉब है क्या वैसे आपकी? जॉब मैं एज अ सेल एसोसिएट काम करता हूँ स्केचेस में पोलो पार्क मॉल के अंदर। तो आपको कमीशन वमीशन तो बढ़िया मिलती होगी? हाँ जी, कमीशन मिल जाती है। मैंने जैसे एक पुरानी वीडियो में बताया था कि एज अ सेल्स एसोसिएट अगर आप काम करते हो तो कमीशन बढ़िया मिलती है और सैलरी भी मिलती है, तो हिसाब किताब बहुत ही बढ़िया रहता है। जी ठीक है। तो आपको जॉब मिली कैसे? जैसे इंडीड है, इंडीड पे मैं एक एक मॉल का नाम सर्च करता था, जैसे मैंने पोलो पार्क का नाम सर्च किया, जितनी भी जॉब ओपनिंग थी मैंने सारी फिल कर दी। ओके। और वैसे मैंने सभी मॉल्स का अप्लाई किया और मेरे को एक दिन के बीच बीच कॉल आ गई थी वहाँ से कि आप इंटरव्यू देने आ जाओ। मान लो कि कोई बच्चा यहाँ पे आने वाला है, उसको एक आइडिया देना है कि यार जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप उसको क्या बताना चाहोगे? उसको मैं यही कहूँगा कि एक मंथ के अंदर उसको जॉब मिल जाएगी। मेन चीज़ अपने रेज्यूमे पे वर्क करो, क्योंकि जो सबसे पहले रिक्रूटर देखता है वो देखता है कि आप रेज्यूमे में अपने आपको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। उसको थोड़ा क्रिस्प रखो अपने रेज्यूमे को और उसमें अपने स्किल्स डालो जो प्रॉपर स्किल्स आप में हैं जो बाकी में नहीं है। ठीक है। जो आपको एक अलग बनाए और रिक्रूटर को भी हो हाँ कि मैं इसको हायर करूँगा,
मेरी एसोसिएशन को कोई ना कोई फायदा मिलेगा. राइट, सो गो फॉर इट कि आप अपने स्किल्स को पॉलिश करो, अलग अलग चीज़ें सीखो. यहाँ पे किस टाइप की जॉब्स हैं? जॉब्स मेनली एक तो रिटेल में हो गया, जैसे मॉल्स वगैरह हैं. अच्छा. या स्टोर वगैरह. हाँ. वहाँ पे बच्चे जॉब कर रहे हैं. और बाकी फूड कोर्ट्स वगैरह में जैसे मैकडी हो गया, KFC, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे हायर होते हैं. ओके. और सिक्योरिटी की जॉब्स मैंने बहुत सारे बच्चे करते हैं. सिक्योरिटी में बहुत सही है क्योंकि यहाँ पे 5-6 कंपनी जैसे गार्डा होगी, इम्पैक्ट होगी और सिक्योरिटास, G4S तो यहाँ पे है नहीं हमारे, पर ओंटारियो साइड ज़्यादा फेमस है. मेनली ये कंपनीज यहाँ पे हायर करती रहती है, मतलब इनकी सीजनल हायरिंग भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग भी. तो बच्चे इजिली अपना आते सारी सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाते हैं और एक दो महीने बाद सिक्योरिटी की जॉब में लैंड कर जाते हैं. बाकी यहाँ पे वेयर हाउस और फैक्ट्रीज वगैरह की जॉब तो नहीं होंगी मेरे को लगता नहीं. पार्ट टाइम जॉब्स इतनी नहीं है, जैसे जो फुल टाइम है वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, पर पार्ट टाइम बहुत रेयर चांस है कि आपको वेयर हाउस वगैरह में जॉब मिल जाएगी. बाकी एक बार खर्चे बारे के बारे में बात कर लें, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब जब मिलेगी तो पैसे आएंगे तो खर्चा होगा. अब देखते हैं खर्चा कितना होता है यहाँ पे विनीपेग में. चलो तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि यहाँ पे अकोमोडेशन का कितना खर्चा होता है. अकोमोडेशन का अगर हमने जैसे बेसमेंट वगैरह लेना है तो एक पूरा बेसमेंट 1 BHK आपको नहीं, अबाउट 800 से लेके 1200 के बीच में आराम से मिल जाएगा एक कमरा. हाँ जी, एक कमरा. और उसमें लिविंग रूम भी होगा, रूम हो गया, किचन, वॉशरूम, तो ये सब कुछ होगा. दो या तीन बच्चे उसमें रह सकते हैं शेयरिंग पे आराम से. तो फिर 400 के आसपास आपका रेंट पड़ जाएगा महीने का. बाकी अपार्टमेंट वगैरह की बात करें जैसे 1 BHK 2 BHK तो वो कितने का मिलता है? उनका भी नहीं, अबाउट 1200 के आसपास से स्टार्ट होते हैं जो भी अपार्टमेंट्स हैं डाउनटाउन के अंदर. फिर उसके बाद में जो यूटिलिटीज हैं जैसे हाइड्रो का बिल हो गया, वो सारे बिल्स अलग आ गए, वाईफाई का बिल आपको सेपरेटली भरने पड़ेंगे. एज कम्पेयर टू बिगर सिटीज जैसे कि मैं किचनर में रहता हूँ या फिर ब्रैम्पटन मिसिसागा हो गया, वहाँ पे तो भाई 800-900. तो विनिपेग उस पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ता है कि खर्चे यहाँ पे कम होते हैं तो सेविंग हो जाती है. तो अगर आपको फीस इकट्ठी करनी है, लोन उतारना है तो थोड़ा सा इजी हिसाब किताब रहेगा. बाकी जो पीछे आप ये बिल्डिंग देख सकते हो कांच की है, ह्यूमन राइट्स का म्यूजियम. बाकी यार मैंने सुना है कि ये विनीपेग जो है वो थोड़ा सा पंजाबी लोग यहाँ पे रहते हैं, गाड़ी गुड़ी के जो शौकीन लोग होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे ये सब होता है. गाड़ियों का है काफ़ी, क्योंकि आप पंजाबी हैं तो हमारा मन करता है कि हाँ पैसा है तो गाड़ियों पे लगाओ. चैलेंजर, चार्जर, मस्टैंग सब चलता है यहाँ पे. सब चलता है. हाँ जी, काफ़ी, क्योंकि वही है ना, फिर जहाँ पे पंजाबी होते हैं वहाँ पे महंगी महंगी गाड़ियाँ आपको जरूर दिखेंगी. तो कहाँ पे होता है यहाँ पे कोई गेड़ी गुड़ी रूट टाइप जगह है? गेड़ी रूट टाइप जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ में पंजाबियों का हब है. अच्छा. अगर नॉर्थ का है वो मिनी पंजाबी एक टाइप से. अच्छा, नॉर्थ विनीपेग. नॉर्थ विनीपेग उसमें अगर रोड पे आप जाओगे आपको 5-6 मस्टैंग, डॉज आराम से दिख जाएंगे. मान लो हम यहाँ पे आते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और गर्लफ्रेंड वगैरह बन जाती है तो उस केस में उसको घुमाने लेके जाना है तो यहाँ पे क्या हिसाब किताब है घूमने का? घूमने के लिए एक तो फोक्स ही हो गया, फोक्स में जैसे वॉक वगैरह करो, उसके साथ लाइटिंग बहुत सही है फोक्स में. हाँ, रात को बहुत सुंदर, बहुत सही है. और यहाँ पे बैठ के अपना रेस्टोरेंट बने हुए हैं, फोक्स मार्केट है, वहाँ पे जाके बैठो आराम से अपना खाओ पियो. अच्छा. और साथ में बाकी काफी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं. आप एक स्ट्रीट के बारे में बता रहे हैं? हाँ जी, एक ऑस्मो स्ट्रीट है, वहाँ पे काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और लाइटिंग बहुत सही होती है वहाँ पे रात को. अगर रात को वहाँ पे जाओगे आपको यही लगेगा कि हेवन में आ गए. ओके, तो अगर इतना सुंदर लगता है, रोमांटिक डेट पे लेके जाना है तो बहुत बढ़िया हिसाब है. एग्जैक्टली, ठीक है, तो हिसाब कितना बढ़िया. और साथ के साथ अगर लौंडे लपाड़े हैं उनको मजे मारने हैं, बियर शेयर लगाने के लिए जाना है तो उसके लिए जगह है? उसके लिए बहुत जगह, जैसे क्लब्स वगैरह हैं काफी और फोक्स में भी बियर वगैरह चलती है. आप रिवर के साइड पे बैठो, हाँ, दोस्तों के साथ चिल करो और गेम्स वगैरह खेलो. और वैसे भी पंजाबी सिंगर्स के या हिंदी से हाँ, जो है कॉन्सर्ट्स वगैरह बहुत होते हैं. अब एक चीज ये भी है कि विनीपेग के अंदर ठंड बहुत होती है, कहते हैं कि -40-45 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो क्या ये सच है? बहुत ठंड होती है, जैसे अभी तो गर्मी हुई है, अभी ये अबाउट 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है. ठंड जब होगी वो सीधा -40-45 के आसपास, तो वो प्रॉपर जैकेट्स वगैरह डाल के प्रॉपर अपने आप को जैसे पेंगुइन नहीं प्रॉपर ढके हुए होते वो पेंगुइन बन के सारे निकलते हैं बाहर, प्रॉपर कैप वगैरह डाल के जितना ढक सकते हैं अपने आप को उतना ढक. बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि थंडर पे मैंने पढ़ाई की थी तो 7 आवर्स की ड्राइव पे है. तो हम 2-3 बार यहाँ पे आए थे, एक बार मैं दिसंबर में आया था तो ये जो सारा एरिया ना जहाँ पे विनीपेग का साइन है सारा का सारा बिल्कुल सफ़ेद हो रखा था, मतलब लगा लो गुड्डे गुड्डे बर्फ चढ़ी हुई सी, ये हाल सी. तो ये हिसाब किताब है. तो अगर आपको ठंड से प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से आपको विनीपेग अवॉइड करना चाहिए. लेकिन ये भी चीज़ है कि ठंड तो पूरे कनाडा में होती है, डेफिनेटली यहाँ होगी ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़. जैसे कि आप कहते हो टोरंटो में -20-30, तो यहाँ पे आपको -40-50-55 फील्स लाइक भी मिल सकता है जब वो हवा चलती है तो ठंडा होता है. हाँ जी, बस फिर वही है कि अपनी चाय कॉफ़ी पी चलो, चाय लेवल के लिए बेस्ट चाहिए फिर कि तो दिन में बैठे हैं
चलो चाय बना लेते हैं, टीम में जाओ चाय लाते उठा लो, मजा बड़ा आ जाएगा। ये भी फायदा भी है, ठंड में मजा भी आता है मेरे को, यार स्नोफॉल होती है बहुत ही बढ़िया लगता है। अब यार जो मेन रीजन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का विनिपेग आने का वो ये है कि यहाँ पे जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है ना उसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ है, बहुत ही इजीली पीएनपी मिल जाती है, फिर पीआर बड़ी आसानी से हो जाती है। तो बताओ पीएनपी का क्या सिस्टम है यहाँ पे, ऐसा क्या है कि जो बच्चों को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है? मिले जैसे पहले होता था कि विनिपेग में पीआर काफी इजीली मिल जाती थी, लोग ओंटारियो से विनिपेग में मूव करते थे। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ओंटारियो से आए थे यहाँ पे, वो मेनली यही था कि पीआर तो एक दो साल में इजीली पीआर मिल जाती थी, फिर वो वापस अपने ओंटारियो वगैरह चले जाते। अब जैसे गवर्नमेंट ये चीज देख रही है कि बच्चे आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, तो विनिपेग गवर्नमेंट भी उस चीज के लेटेस्ट स्ट्रिक्ट हो रही है, तो उन्होंने अब ये कर दिया कि आपको विनिपेग में आके कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पे कुछ पढ़ोगे तभी आप फिर आप यहाँ पे स्टे करोगे लॉन्ग टाइम के लिए, टैक्सेस वगैरह पे करोगे यहाँ पे। राइट राइट, तो बेसिकली यहाँ पे जो पीएनपी का सिस्टम है ना, यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं हर एक चीज के, यहाँ पे पढ़ाई की है, यहाँ पे जॉब कर रहे हो, आपने जो भी पढ़ाई की, आइल्स का स्कोर, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे पॉइंट मिलते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आते हो, बाहर आपने पढ़ाई की है, फॉर एग्जांपल आप सेंटेनियल कॉलेज या एक्सवाइजेड कॉलेज से पढ़ाई करके विनिपेग में आते हो पीआर लेने के लिए, पीएनपी लेने के लिए, तो वो आपके पॉइंट्स माइनस में करते हैं कि आपने कहीं और से पढ़ाई की है। माइनस भी नहीं, 200 पॉइंट्स उनके माइनस हो जाते हैं, वो बहुत मुश्किल बनते हैं 200 पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे तो थोड़ा सा हिसाब किताब बढ़िया तो हो ही जाएगी, तो आराम से। चलो भाई, जिनको सिर्फ पीआर के लिए आना है वो तो सीधा सीधा विनिपेग आ जाओ, अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करो और पीआर लेके ऐश करो जी। पीआर लेके ऐश नहीं होती है, असली स्ट्रगल उसके बाद शुरू होती है। हाँ, चलो ठीक है। अब यार मेरे हिसाब से विनिपेग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे कम है, आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जो फीस है वो कम होगी, और साथ के साथ छोटा सा शहर है तो एक कम्युनिटी अच्छी बन जाती है, जान पहचान बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये है कि विनिपेग वो जो टॉप 10 लिस्ट है ना कनाडा की भी क्रिमिनल सिटीज, मतलब शेडी एरियाज, उसमें आता है ये। हाँ जी, तो कितना सेफ है विनिपेग स्टूडेंट्स के लिए, आप रियलिटी बताओ मेरे को, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जैसे अगर नॉर्थ एरिया हो गया साउथ एरिया, वो हाँ, काफी सेफ एरिया में माने जाते हैं। अच्छा, और अगर हम डाउनटाउन में आते हैं, डाउनटाउन में ये है कि जो जगीज हो गए, जगीज आपको रोड पे आराम से मिल जाएंगे, होमलेस हैं, होमलेस हैं जगीज, और उनका कुछ पता नहीं क्योंकि उन्होंने ड्रग्स लिए हुए हैं, तो किसी को भी इजीली पैसे मांगने के लिए स्टैब वगैरह भी कर देते हैं। ओके ओके, बट वो अब गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है, उसके रिलेटेड भी थोड़ी पुलिस वगैरह होती है, बट फिर भी एक मन में खतरा रहता है कि हाँ कि कोई भी मेरे को कुछ मार सकता, कुछ भी हो सकता है। तो वो उसके लिए ये है कि अगर 3-4 लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सेफ फील करोगे, कोई भी आपको कुछ कहेगा नहीं, पर रात को थोड़ा अनसेफ है अगर आप रात को अकेले बाहर जा रहे हो। वो इंडिया में भी सेम ही था कि रात को घर वाले भी हमें कहते थे, बोलते थे ज़्यादा लेट नहीं जाना बाहर, तो सेम चीज़ है, इंडिया में भी रात को अनसेफ था और यहाँ पे भी रात को अनसेफ है, क्योंकि कोई भी आपको कोई भी चीज़ हो सकता है निकाल, सिर्फ डाउनटाउन में या कहीं भी। मेरे लिए अगर स्पेसिफिक हम हॉटस्पॉट पॉइंट काउंट करें, वो डाउनटाउन, वो तो फिर बहुत ही रिस्की होगा। लेकिन वो कहीं, मतलब जो लोग ऐसा करते हैं जिनकी वजह से ऐसे ये जानी जाती है सिटी उस चीज के लिए, वो कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है वो। एग्जैक्टली, तो वही है, रात को जैसे अंधेरा होने के बाद अगर आप थोड़ा सा अनसेफ फील होगा एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, बाकी लड़कियों के लिए सेफ है नहीं है, कुछ लोग पूछते हैं कमेंट करके हमें, लड़कियों के लिए सेफ है सिटी, जैसे वेस्टर्न कंट्री है तो लोगों का माइंडसेट थोड़ा ओपन है। राइट, तो अगर हम इंडिया में कहते हैं कि थोड़ा लड़कियों के लिए अनसेफ है, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों और लड़के के लिए इक्वली सेफ है, बराबर ही बात होती है, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है यार, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको विनिपेग का आइडिया हो गया होगा, खर्चे, सेफ्टी और जॉब्स वगैरह के बारे में पता लग गया होगा। बाकी आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? मेरा पार्थ कौशिक इंस्टाग्राम हैंडल है। चलो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा अगर आपको स्पेलिंग चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जब तक अगली बहुत ही बढ़िया सी वीडियोस वगैरह नहीं आती हैं, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। बाकी आपको ब्रेकफास्ट कराते हैं थोड़ा सा।